नमस्कार, मैं मनीष, स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, वेस्ट रेलवे अहमदाबाद जोन का डिटेल एनालिसिस आपके सामने है। जो डेटा कम्युनिटी वाइज है उसी को अपन यहां पे एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको मैं बता दूं कि EWS कैटेगरी, यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कैंडिडेट है वो कितने कितने कॉल किए गए थे कम्युनिटी वाइज। चूँकि यहाँ पर वैकेंसियाँ डिफरेंट डिफरेंट है कम्युनिटी वाइज, लेकिन यहाँ पर EWS के 4,632, UR के 1,632 और SC के 4,680, ST के 2,187 और के 14,300 जो है वो 8 OBC के कैंडिडेट कॉल किए गए थे। आप कुल यहाँ पे कैलकुलेट करके टोटल लिखा गया है 27,439 कैंडिडेट कॉल किए गए थे PT के लिए। और देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी वाइज से ज़्यादा यहाँ पे कॉल किए गए हैं, इसलिए क्योंकि इसमें से UR में चले जाएंगे। अब देखेंगे UR में वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें कॉल कम किया गया है। चूँकि UR कम्युनिटी से कम कॉल किए गए हैं, क्योंकि EWS वाले भी UR में आ जाएंगे, SC वाले भी UR में चले जाएंगे, ST वाले भी UR में चले जाएंगे, OBC वाले भी जो कैंडिडेट हाई नंबर वाले होंगे वो UR में चले जाएंगे। इसीलिए UR जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो कम कॉल किए गए हैं, और अदर से क्योंकि फिल कर लिए गए हैं, अदर कम्युनिटी से UR में आ गए हैं। तो अब एक एक कम्युनिटी का डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं। EWS कम्युनिटी में 4,632 जो बुलाए गए थे उसमें प्रजेंट हुए 3,855 और एबसेंट हुए 777, पेट में पास हुए 2,723 और पेट में फेल हुए 1,132। वैकेंसी कितना है EWS का, 1,074 प्लस 189 जो कि CC और आपके जो एक सर्विसमैन है उससे अगर हम इसमें ले आते हैं कुछ वैकेंसी तो 189 के अराउंड आएंगे, यानी कि टोटल वैकेंसी आपके EWS में 1,263 के अराउंड हो जाएंगे। अप्रॉक्स हो सकता है 5 ऊपर 5 नीचे, 10 ऊपर 10 नीचे हो सकते हैं, लेकिन 1,250 आप मान के चल सकते हो मिनिमम। चलिए, ये 189 मैंने कैसे कैलकुलेट किया है, एक सर्विसमैन और CC को 189 कैसे कैलकुलेट किया है। टोटल वैकेंसी CC और एक सर्विसमैन में कितने हैं, 4,292 हैं, उसका 44% खाली रहेगा, तो यानी कि कितना खाली रहेगा, 1,889 खाली रहेगा, उसका 10% EWS कम्युनिटी में चला जाएगा तो 189 होगा। इस तरीके से मैंने इसको कैलकुलेट किया है। तो यानी कि EWS में जो पास हुए फिजिकल में वो 1,618 थे, और जनरल कैटेगरी में जो चले गए EWS वाले ही बच्चे जनरल कैटेगरी के नंबर से पास आउट हुए हैं वो 939 हैं। अब 166 जो है वो ब्लॉक डेट में गए थे, 166 में इसमें EWS वाले मान लेते हैं कि 66 बच्चे EWS वाले थे, तो यानी कि आपके जो टोटल EWS से पास हुए हैं कम्युनिटी में वो 1,684 और जो बच गए वो जनरल से पास हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि EWS वाले बच्चे ही हैं लेकिन जनरल से पास हुए हैं, जो कि कितने हैं आपके 1,039। और इसका जो सपोज है वो रनिंग करने के बाद कुछ फेल हो जाएंगे, कुछ जो है वो आपके जनरल में रह जाएंगे और कुछ EWS में पुनः वापस लौट जाएंगे मेरिट बनते समय, तो 519 है वो पुनः सपोज EWS से ही उनका मेरिट बनता है, क्योंकि ऊपर कम नंबर होगा इस वजह से नीचे छट के चले जाएंगे। तो यानी कि टोटल EWS का जो स्टूडेंट है वो कितना हो जाएगा कम्युनिटी में, आपके 2,203 है, और आपके वैकेंसी कितने हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, 1,263 है। तो इस तरीके से आप देख लेंगे कि 1,263 में आ रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं आ रहे हैं तो बाद के पैनल में आपका नाम आ जाएगा। उसी तरीके से UR कम्युनिटी में देखते हैं, तो UR कम्युनिटी में जो वैकेंसी है वो आपके जो है वो कितने हैं, यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ UR में कितने कॉल किए गए थे, 1,632, ठीक है, और आपके जो वैकेंसी है वो 4,284 है, ठीक है, यानी कि 4,284 सीट है और कॉल कितने किए गए थे, 1,632। इसमें प्रजेंट कितने रहे, 1,632 में 1,266 प्रजेंट रहे, एबसेंट कितने रहे, 366 एबसेंट रहे, पेट में पास कितने रहे, 923 रहे और पेट में फेल रहे 343। अब उसी तरीके से OBC कम्युनिटी में चले जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे कॉल किए गए कितने, 14,308, वैकेंसी कितनी थी 2,914, पास कितने, प्रजेंट कितने हुए 12,334,
प्रेजेंट हुए, एबसेंट कितने हुए 1974 एबसेंट हुए, पीटी में पास कितने हुए जो है वो 10,232 पास हुए पीटी में, और पीटी में फेल हुए 2102 इसमें फेल हुए। उसी तरीके से एससी में हम बात करें तो कॉल कितने किए गए थे 4,680, वैकेंसी कितना है 1,647, और प्री प्रेजेंट कितने हुए, प्री मतलब प्रेजेंट कितने हुए 3,977, एबसेंट कितने हुए 703, पीटी में पास कितने हुए 2940, और यहाँ पे पीटी में फेल हुए 1,037 आपके कम्युनिटी में। एसटी जो कम्युनिटी है उसमें बुलाए गए थे 2,187, वैकेंसी कितना है 812, और प्रेजेंट कितने हुए 1,877, और एबसेंट हुए 310, पीटी में पास हुए 1,479, और पीटी में फेल हुए 398। आप कहेंगे कि ये डेटा कहाँ से मिला, तो आप ये रोल नंबर वाइज जो कॉल किए गए थे उससे आप डेटा निकाल सकते हैं, एक एक डेटा यहाँ पे सही है। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई और एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।